बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सालार खान हेयर, और आज आपको पढ़ाएंगे जी डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़। स्क्वायर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए। हमने समझा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करे तो उससे अगर स्केलर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और उस मल्टीप्लीकेशन को हम एक डॉट से शो करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज अब हम उसकी कुछ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। और कमोटेटिव आपको पता है ना जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। कमोटेटिव इज व्हाट, इफ यू रिवर्स द ऑपरेशन, दैट इज ए डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस वुड बी इक्वल टू बी डॉट ए। और ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जी कि ए डॉट बी क्या होगा, ए टाइम्स बी कॉज ऑफ थीटा होगा। और सिमिलरली बी डॉट ए होगा जी, बी ए कॉज ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जी, ए टाइम्स बी एक्स होगा, और इधर से आ जाएगा जी बी टाइम्स ए एक्स। और ये दोनों हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ये सेम आती है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवाया था, वो आपको मैंने होमवर्क दिया था, और अगर आपने वो किया है तो आप मेरी इस बात को 100% समझ गए हैं। अगर नहीं किया तो भी 75-80% समझ गए होंगे, लेकिन अगर किया है तो 100% समझे, ठीक। ये हो गई जी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मैं इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लिखता हूं, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर मैं, मुझे गिवन है a डॉट b प्लस सी, यानी पहले एडिशन करनी है फिर डॉट करना है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि पहले डॉट करूं और फिर उन दोनों को एड कर दूं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नंबर थर्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि अगर मैं कहता हूं ए डॉट ए, तो क्या कहूंगा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉज ऑफ एंगल क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉज ऑफ जीरो इज वन, ए इंटू ए वुड बी ए स्क्वायर। सेम वेक्टर है तो ऑफकोर्स जीरो एंगल होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री हो गई जी। प्रॉपर्टी नंबर फोर देखें के हाँ, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल तो मैंने आपको बता दिए थे ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। लेकिन चले, अगर मैं आपको कोलिनियरिटी इधर लिखता हूँ, कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी का मतलब दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अलोंग द सेम लाइन का मतलब या तो वो पैरेलल हो सकते हैं और या फिर वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं जी। तो पैरेलल में थीटा जीरो डिग्री होगा, इसका मतलब है कि ए डॉट बी सिंपली होगा जी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, जो कि होगा मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। और एंटी पैरेलल में आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा बिटवीन द वेक्टर्स, और इस केस में कॉज ऑफ 180 माइनस 1 होता है, सो दिस वुड बी माइनस टाइम ए बी, जो कि मिनिमम होगा या फिर नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ऑर्थोगोनैलिटी, जो कि अगेन हम सीख चुके हैं, एंड दैट इज व्हाट, कि फॉर गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा इज 90 डिग्रीज है, सो दिस वुड इंप्लाई व्हाट, के ए डॉट बी जो है वो जीरो के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज कॉज ऑफ 90 डिग्रीज जो है वो जीरो होता है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू अ नल वेक्टर, बी भी नल वेक्टर नहीं है,
लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, बट ए डॉट बी जीरो है, इसका क्या मतलब है? ये आपका एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है कि ए भी नल वेक्टर नहीं है, बी भी नल वेक्टर नहीं है, फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर जीरो आता है। तो इसका आंसर ये क्यों है? इसकी वजह ये है कि बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गए जी? बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स देखे तो फॉर एग्जाम्पल आई डॉट आई करते हैं, पहले सेम करते हैं जी, आई डॉट आई क्या होगा? तो वो होगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ एंगल क्या होगा? जीरो होगा, दोनों अलोंग द आई एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, एंगल इज जीरो। सो आई का मैग्नीट्यूड इज वन, अनदर आई का मैग्नीट्यूड इज वन, कॉज ऑफ जीरो इज वन, सो आई डॉट आई इज वन। सिमिलरली डी डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के। तो ये लिख के कि इसमें ये जो है, पहले सिमिलर की मैं बात कर रहा हूं, सिमिलर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे एंड दिस इज इक्वल टू के डॉट के एंड दैट वुड बी इक्वल टू वन। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करता हूं डिससिमिलर की। डिससिमिलर का मतलब आई डॉट जे अगर मैं कहता हूं तो आई का मैग्नीट्यूड वन, जे का मैग्नीट्यूड वन, और कॉज ऑफ, तो एंगल होगा जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कॉज ऑफ 90 डिग्रीज एंड दिस वुड बी इक्वल टू जीरो। सो डिससिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास जीरो आएगा। तो इसको मैं लिखता हूं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के is equal to k dot i and this is all equal to zero. और अगेन मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, सो j डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के, और ये सब इक्वल है जी जीरो के। समझ आई? बिल्कुल आई। नेक्स्ट क्या है जी? अगर आपको गिवन हो कंपोनेंट्स फॉर्म में, अगर आपको गिवन हो जी कंपोनेंट्स फॉर्म में, नंबर 7 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म, तो देखे लेट सपोज हम इनको प्रूफ करते हैं जी। ए एक वेक्टर है, दैट इज ए एक्स विथ आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई विथ जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड विथ के यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर है जी बी एक्स आई यूनिट वैक्टर बी वाई जे यूनिट वैक्टर और बी जेड के यूनिट वैक्टर। ठीक हो गया जी? अब ए डॉट बी आपको चाहिए तो क्या करेंगे जी? इनको मल्टीप्लाई करें, चले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे जी ए एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस ए जेड k unit vector multiplied with bx i unit vector plus by j unit vector plus bz k unit vector। अब इधर आप magnitude of a, magnitude of b और cos नहीं है जी, magnitudes तो हम all find कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन angle के साथ फिर आप क्या करेंगे? तो इसमें हम इस तरह simple multiplication से काम लेते हैं। तो अब क्या होगा जी? ax को मल्टीप्लाई करेंगे जी इन सब के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करें जी ए एक्स को पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर फाइनली उसके साथ। तो करें जी ए एक्स इंटू बी एक्स और आई डॉट आई, ठीक, प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई करें जी बी वाई और आई डॉट जे प्लस मल्टीप्लाई करें जी ए एक्स विद बी जेड आई डॉट के। ठीक हो गए जी? बिल्कुल। अब देखिए ए वाई को मल्टीप्लाई करें एक एक के साथ, करें जी जरा, प्लस ए वाई बी एक्स और क्या है जी जे डॉट आई, बिल्कुल, प्लस ए वाई बी वाई क्या है जी जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड और क्या है जी इसके साथ जे डॉट के है कि नहीं है, बिल्कुल है, और प्लस फाइनली इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करें जेड वाले टर्म को, सो ए जेड बी एक्स क्या है जी के डॉट आई है कि नहीं है, बिल्कुल है, प्लस ए जेड बी वाई क्या है जी के डॉट जे और फिर फाइनली प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के।
तो यूनिट वेक्टर्स को तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जी, i डॉट i से क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में देखिए जी, a डॉट b इन कंपोनेंट फॉर्म, देखिए a x b x, इससे 1 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 प्लस i डॉट j 0, i डॉट k 0, देखिए j डॉट i 0, y डॉट j डॉट j 1, तो देखिए ए वाई बी वाई ये 1, फिर जे डॉट के फिर 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 और के डॉट के 1, तो प्लस ए जेड बी जेड, ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में है। इसका मतलब है कि सिमिलर कंपोनेंट्स को आप सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। एक और प्रॉपर्टी अगर मैं लिखता हूं तो हम इससे एंगल बी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, तो इसका मतलब है कि कॉस ऑफ थीटा होगा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनको बी का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस इनवर्स ले लेते हैं। सिमिलरली कंपोनेंट्स फॉर्म वाला भी जो है आपको पता है ए डॉट बी आपको वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब ए डॉट बी देखे जरा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। और हमें यह भी पता है कि ऑल्सो ए डॉट बी वो बराबर है जी ए बी कॉज ऑफ थीटा के, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ए बी कॉज ऑफ थीटा इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो अगेन कॉज ऑफ थीटा इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म वुड बी लाइक दिस divided by the product of the magnitudes of A and B. समझ आई, बिल्कुल आई। तो मेरे ख्याल में टाइम तो हमने इतना नहीं लिया, तो क्यों ना एक दो एग्जाम्पल की जाए इसके ऊपर, ठीक हो गया जी। तो करें जरा एक एग्जाम्पल, जरा लिख के एक फोर्स आपको गिवन है, एग्जाम्पल एक फोर्स आपको गिवन है विच इज व्हाट, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, और फिर आपको गिवन है हैज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम ए, ए पॉइंट आपको गिवन है 1 3, और इससे आपने मूव किया टू बी पॉइंट विच इज 5 7, बी इज 5 7, तो कह रहा है जी कि आप फाइंड करें कि वर्क आपने कितना किया, वर्क तो फोर्स तो आपको गिवन है, फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखे आर ए मैं लिखता हूं जी यूनिट पोजीशन वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर, और जो आर बी है वो मैं लिखता हूं 5 आई प्लस 7 जे, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अब ए से मैं बी की तरफ गया हूं तो क्या होगा जी, इनका जो डी है जो 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 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है दैट वुड बी आर बी माइनस आर ए, सो 5 माइनस 1 इज 4 आई प्लस 7 माइनस 3 इज 4 जे, 4i प्लस 4j है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आप इसको डॉट कर सकते हैं जी, सो वर्क डन फाइंड करने के लिए आप करें 2i प्लस 3j एंड दिस इज डॉटेड विद व्हाट, वी डॉटेड विद 4i प्लस 4j एंड तो देखिए स्टेप वाइज ना करें, कंपोनेंट्स फॉर्म में आपको गिवन है x को x के साथ करें 2 विद 4 और y को y के साथ 3 with 4, so this would be 2 4s are 8, 3 4s are 12, 8 plus 12 is 20, whatever the unit of work is. ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। Find the projection of vector A. अच्छा, example पूछ रहा है जी, projection of A आपने find करना है, where A आपको given है जी 2i minus 8j plus k. 2i minus 8j plus k in the direction of B. Projection of A find करना है जी, in direction of B, which is what? Which is 3i minus 4j, 3i minus 4j plus minus 12k, minus 12
के। तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ए एक्स वाला जो फॉर्मूला है उधर यूज होगा जी, ए एक्स मैंने आपको बताया था दैट वुड बी ए डॉट बी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल, तो करें जरा, क्या नहीं फाइंड कर सकते? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई 3 आई कंपोनेंट है जी, फिर ठीक है माइनस 8 विद माइनस 4 जे कंपोनेंट है और फिर 1 विद माइनस 12 ठीक हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा जी 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड प्लस 12 स्क्वायर्ड होल अंडर द रूट। जरा कैलकुलेशन तो खुद से करें ना जी, खुद से करें ना कैलकुलेशन, क्या आता है जी 26 ऊपर आता है 13 नीचे आता है, 26 अपॉन 13 और आंसर इसका 2 है जी। यूनिट जो भी हो, यूनिट के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है? आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बंद कीजिए जनाब। प्रोजेक्शंस के ऊपर हम देख चुके हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल देख चुके हैं, ये कॉपी भी बंद कीजिए। एक कॉपी रह गई, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस है जनाबी अली, वो आपको बताते हैं जी, वो आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास है। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 AB है, से क्वेश्चन लिख के जी, मैं जरा देखता हूं कि ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर तो आ रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फिर भी इधर लेके आता हूं, अब बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा ए डॉट बी जो है आपको गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 times द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो थीटा आप फाइंड करें बिटवीन द टू, थीटा आप फाइंड करें बिटवीन द टू। सो इसका मतलब है कि जो ए बी कॉज ऑफ थीटा है वो इक्वल है 1/2 AB के, है कि नहीं है? ए बी ए बी के साथ कैंसिल हो गया, कॉज ऑफ थीटा 1/2 रह गया कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 रह गया कि नहीं? कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 आपको याद होना चाहिए 60 डिग्री है, 60 180 0 90 45, इस एंगल्स पर साइन कॉज टेंजेंट आपको याद होने चाहिए है। देखे जरा एक MCQ, चले ये इसको मैं चले MCQ की हेडिंग देता हूं, ये भी एक MCQ एक और लिख के जी। एक रिजल्टेंट है, हमने पढ़ा था कि a प्लस b वेक्टर फॉर्म में होता है कि नहीं, लेट से इसका मैग्नीट्यूड जो है एडिशन से आता है, सिंपल एडिशन से, सो a डॉट b जो है वो क्या होगा? तो इसकी ऑप्शंस बस मैं नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो है तो डायरेक्टली ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में जो है वो पैरेलल है, इसका मतलब है कि थीटा जो है डायरेक्टली अगर ऐड हुआ है स्केलर एडिशन, तो इसका मतलब है कि थीटा 0 degrees है और कॉज ऑफ 0 degrees जो है वो 1 होता है, तो ए डॉट बी सिंपली आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। अच्छा चले एक और करें, ये तो आपने कर लिया ना, एफ डॉट एस तो आपने कर लिया, कंपोनेंट्स फॉर्म में आपने कर लिया। अच्छा अगर ए जो है, एक और लिख के चले, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, एमसीक्यू ही लिख के कहता है कि ए जो है वो आई प्लस जे है, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे और बी वेक्टर जो है वो है जे प्लस के, तो इनके दरमियान थीटा क्या है? तो जरा करें ना जी, क्या करते हैं आप ए डॉट बी करें, ए डॉट बी क्या आता है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, तो ए डॉट बी से क्या आएगा, आई कंपोनेंट 0 है प्लस जे कंपोनेंट 1/1 है और फिर प्लस के कंपोनेंट दूसरे में नहीं है 0 है, सो ए डॉट बी से 1 आ गया, ए का मैग्नीट्यूड 1 square 1 plus 1 under the root 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। b का मैग्नीट्यूड 1 plus 1 under the root 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। और cos of theta, तो देखिए 1/√2 is equal to cos of theta है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगेन cos थीटा 1/2 है, तो थीटा cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब है कि थीटा अगेन आपको 60 डिग्रीज है। समझे कि नहीं आई? बिल्कुल आई। Which vector will be perpendicular to, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं अगर नीचे जगह है, नीचे थोड़ी सी जगह तो है, चले मैं लिखता हूं इधर एक MCQ,
विच वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू टू व्हाट टू द वेक्टर 2i + 3j + k 2i + 3j + k. अब इसके ऑप्शंस आप जो है वो करें, ऑप्शंस आपको जो भी गिवन हो इसका आंसर आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उन ऑप्शंस के साथ, और जिनसे इनका आंसर जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. फॉर एग्जांपल इधर एक ऑप्शन है -i - j - i - j + 5k. तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो i को i के साथ 2 - -1 फिर प्लस 3 - -1 j वाले कंपोनेंट्स और फिर k वाले कंपोनेंट्स, इसका 1 उसका 5. तो देखे -2 - 3 + 5 - 5 + 5 = 0. तो इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि विच वन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. तो आपने उसमें क्या करना होता है कि एक एक को डॉट करें. डॉट किस तरह करें, कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करें और जिधर से जीरो आ जाता है सो दैट इज परपेंडिकुलर. ठीक हो गया जी, बिल्कुल कोलिनियर. 0 degree पे मैक्सिमम, 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम या फिर मिनिमम, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म. तो मेरे ख्याल में बस इतना काफ़ी है जी, इतनी डिस्कशन काफ़ी है. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को. तो आपसे मिलते हैं तब. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़.